से पिज्जा पराठा बनाने के लिए डोमिनोज स्टाइल। चलिए मेरे साथ अभिलाषा किचन में बताती हूँ आपको डोमिनोज जैसा पराठा पिज्जा कैसे बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट चीजी चीजी बिल्कुल कि कितना अच्छा से तैयार हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितना आसान है पिज्जा पराठा। जब घर में बच्चे बहुत जिद करने लगे पिज्जा बनाने को और आपको मन ना हो फटाफट से पिज्जा बनाना हो तो पिज्जा पराठा बनाकर तैयार कर ले, बच्चे भी खुश और आपका भी समय बच जाता है। चलिए नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्जा पराठा जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। तो आज घर पे बच्चों ने मुझे पिज्जा बनाने का डिमांड किया कि पिज्जा बनाओ, और पिज्जा बेस बनाने का मेरा अभी मूड नहीं है तो मैं फटाफट से पिज्जा पराठा बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बिल्कुल पिज्जा से भी अच्छा टेस्ट लाता है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पर 2.5 कप आटा ले लिया है, देख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी नमक, पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, आधा चम्मच के लगभग। और 1 चम्मच इसमें मैं डालूँगी ऑयल इस तरह से, और इसको अच्छे से मिलाकर मैं इसका सॉफ्ट सा थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक जैसे नॉर्मल आटे का डो लगाते हैं ना उसी तरह से डो मैं तैयार कर लेती हूँ। पूरी रोटी पराठे का जैसे आटा लगता है बिल्कुल ऐसा ही मैं आटा इसका डो तैयार कर लेती हूँ आटे का। उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। तो देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट मैंने डो तैयार कर लिया। अभी से सेट होने के लिए मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ढककर। उसके बाद मैं आगे का आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ स्टफिंग का जब तक ये सेट होगा। तो देखिए स्टफिंग में मैंने लिया है यहाँ पे ये गाजर है, इसे बहुत ही बारीक मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, जितना बारीक आप कटेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। इसे मैं ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया जिसका पल्प मैंने निकाल दिया, इसे भी बारीक कट लिया है, ये भी देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बीन्स लिए हैं, इसे भी बारीक कट कर लिया है। और ये मैंने शिमला मिर्च लिया है, मेरे पास रेड वाला शिमला मिर्च था। आप चाहे तो जो सा कलर हो आपके पास, ग्रीन या येलो कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ग्रीन और रेड था तो मैंने ये दोनों मिक्स कर दिया है, ये देखने बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, इसे ही बारीक कट कर लिया। तो सभी को बहुत ही बारीक से मैंने काटा ताकि स्टफिंग में दिक्कत ना हो। इन सभी को इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, इसे ऐड कर देती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑर्गेनो डाला है, और अब मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स इस तरह से। और साथ में मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर आधा चम्मच से, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा ही मैं डालूंगी इसमें काला नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मैं इसमें मोजरेला चीज़ भी डालूंगी तो उसमें भी नमक रहता है। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ, और आटे में भी मैंने डाला है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मोजरेला चीज़ है ये, इसे भी ऐड करके और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ स्टफिंग के लिए। बहुत ही अच्छा बिल्कुल डोमिनोज जैसा ये पिज्जा पराठा बनकर तैयार होता है, और बच्चे तो खुशी के मारे उछलने लगते हैं। मेरे यहाँ तो हफ्ते में 3 दिन ये बनता है। आप भी एक बार इस तरह से बनाकर खाएंगे तो आपके घर में भी सब बच्चे बार बार डिमांड करेंगे इस तरह से बनाकर खिलाने के लिए, तो आप वो बच्चे सारे भूल जाएंगे डोमिनोज पिज्जा पराठा या इस तरह से पिज्जा पराठा घर पर बनाकर डिमांड करेंगे खिलाने के लिए। ये सभी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सभी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, देख रहा हूँ। चलिए अब आगे तैयारी करती हूँ। देखिए आटा मेरा सेट हो गया है, तो मैं इससे एक लोई ले लेती हूँ इस तरह से, जैसे आप पराठे या रोटी का लेते हैं ना बिल्कुल वैसे ही मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बेल लेती हूँ इसे इस तरह से। इसमें थोड़ा सा मैं आटा लगा लूँ, सूखे आटे डाल दूँगी ताकि बेलने में आसानी हो। और इसमें एक रोटी बेल लेती हूँ, बेल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने रोटी बेल लिया है, और सेम प्रोसेस से मैंने एक और रोटी बेल लिया है। यहाँ पे देख रहे हैं रख लिया, तो दो रोटी मैंने बेला है। इस रोटी पे मैं इस लगा रही हूँ सॉस, ये टोमेटो केचप है, आपके पास पिज्जा सॉस हो वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल था ये टोमेटो सॉस, तो मैं ये लगा रही हूँ। चारों तरफ इसे फैला दूँगी अच्छे से इस तरह से, देख रहे हैं। और साथ ही मैं इसके किनारे पर लगा दूँगी थोड़ा सा पानी इस तरह से, चारों तरफ से पानी लगा दूँगी मैं, देख रहा है। और अब मैंने जो स्टफिंग तैयार किया है ये इस पर चारों तरफ फैला दूंगी इस पर इस तरह से, काफ़ी अच्छे से मैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बार बार इस तरह से बच्चे आपसे डिमांड करेंगे बनाने के लिए, और समय भी कम लगता है, फटाफट से बन जाता है। तो आपको पिज्जा बनाने का मन ना हो या बच्चे जिद कर रहे हो पिज्जा खाने के लिए, तो इस तरह से पिज्जा पराठा बनाकर आप खिला दें तो बच्चे भी खुश और आपके भी समय बचेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसे दूसरे रोटी से मैं कवर कर देती हूँ इस तरह से,
और चारों तरफ से इसे चिपका दूंगी। तो देखिए इसे चिपका दिया मैंने, अच्छे से इसलिए चिपकाया है क्योंकि जब यहाँ पे मोज़रेला चीज़ मेल्ट होगा ना तो वो बाहर निकलने लगता है। तो अब मैंने एक फॉक लिया है, फॉक की सहायता से इस तरह से इसे अच्छे से दबा दबा कर सेट कर देती हूँ। देखने में भी अच्छा लगेगा और ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। तो इस तरह से चारों तरफ घुमा घुमा कर फॉक से इसे चिपका देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ से चिपका लिया अच्छे से, और पहले से ही गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया था, इसमें इसे डाल देती हूँ इस तरह से। और एक साइड सिक जाएगा तो दूसरे साइड पलट के मैं दूसरे साइड से भी सेक लूँगी, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। बाकी सामने पराठे में इसी तरह से बेल कर पिज्जा तैयार कर लेती हूँ। गैस को मैंने एकदम लो टू मीडियम फ्लेम रखा है ताकि पराठे में जले नहीं। और देखिए तैयार हो गया एक साइड से, तो मैं पलट देती हूँ दूसरे साइड में। तो देखिए कितना अच्छा से एक साइड पक चुका है। अब मैं इस पर लगाऊंगी, यहाँ पे मैंने घी लिया है, चारों तरफ अच्छे से घी लगा देती हूँ। आप चाहे तो इस पर रिफाइंड ऑयल या बटर किसी चीज़ के साथ भी सेक सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह से चारों तरफ मैं सेक लगा लेती हूँ और पलट के दूसरे साइड भी मैंने इस तरह से लगा लूँगी। देखिए कितना अच्छे से सेक कर तैयार हो गया है पिज्जा पराठा, इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और सेम प्रोसेस से मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है, देख रहे हैं, इसे उस पर मैं डाल देती हूँ इस तरह से। इतना आसान है पिज्जा पराठा बनाना, मैं इसे पिज्जा कटर से काट के दिखाती हूँ। आपके पास अगर चाकू पिज्जा कटर नहीं है तब चाकू से की भी मदद से कट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा चीजी पराठा, ये पिज्जा पराठा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल डोमिनोज जैसा। देखिए कितना अच्छा से ये पिज्जा पराठा बनकर तैयार हो गया, देखकर आपको लग रहा है ना कि फटाक से बनाओ अपने बच्चों के लिए, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत गर्म है ये, बहुत ही आसानी से बहुत ही फटाफट से डोमिनोज जैसा पिज्जा पराठा बनकर तैयार हो गया। आप भी जरूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन को पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।